नमस्कार दोस्तों, मैं शर्मिला, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शर्मिला डायरी में बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज बनाने वाली हूँ पनीर भुजिया। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो मैंने अपने घर में पनीर बनाया था जो उस दिन, तो उससे मैं क्या क्या बनाने वाली हूँ, तो आज मैं उसी पनीर से बनाने वाली हूँ पनीर भुजिया। तो मैं आपको बता देती हूँ उसके लिए मेरे को क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये है मेरे पास 150 ग्राम पनीर, ये शिमला मिर्च को छोटा छोटा मैंने चॉप कर दिया है, एक टमाटर है, एक बड़े साइज का प्याज जो मैंने चॉप कर लिया है, एक जिंजर गार्लिक पेस्ट जो मैंने खुद ही कूट के बना लिया, और इसमें एक चम्मच धनिया है, छोटी चम्मच हल्दी है, और थोड़ा सा मिर्ची पाउडर है, और ये तड़के के लिए जीरा, और ये ऑयल, और ये है चाट मसाला, कसूरी मेथी, नमक। चलिए आप शुरू करते हैं। तो मैं गैस जला लेती हूँ। ठीक है, तो हम डालेंगे इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल। मैं मस्टर्ड ऑयल ही यूज करती हूँ, जैसा आपको मैं पहले बता चुकी हूँ। अब हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। जीरा तड़कने लग गया, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे, खुशबू आने लग गई है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी प्याज, अब हमारा ये प्याज थोड़ा सा भुन गया है, मतलब इसको मेरे को ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा इसका बस कलर चेंज होना चाहिए, कर दिया। अब मैं इसमें डालूंगी शिमला मिर्च, शिमला मिर्च भी मैं थोड़ा सा भून दूंगी, गैस को हम सिम फ्लेम में कर देंगे। शिमला मिर्च ये मेरी थोड़ी सी भून गई है, इसको बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, मतलब थोड़ा सा क्रंचीनेस रहना चाहिए इसमें। अब मैं इसमें डाल दूंगी जो टमाटर मैंने चॉप किए हुए हैं, और हम नमक डाल देंगे। तो ये मैंने नमक डाल दिया, गैस का फ्लेम आप मीडियम में रखिएगा अभी, ठीक है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। तो ये मैंने नमक डाल दिया, और जैसे मैंने नमक डाला थोड़ा सा ये इसमें पानी छोड़ दिया है। ये देखिए इसका कितना अच्छा टेक्सचर आ गया है। अब मैं इसमें जो ये मसाले हैं वो डाल दूंगी, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ये अब जो मैंने इसमें सब्जी वगैरह डाली थी ये मेरा पक चुका है, अब मैं इसमें पनीर डाल दूंगी, जो मैंने पनीर को अपने हाथ से ही मैश किया है। मैंने आप चाहे तो कद्दूकस भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने मैश कर लिया। मेरा पनीर भुजिया बन चुका है, अब मैं इसमें लास्ट में थोड़ा सा चाट मसाला डाल दूंगी। एक बार से हम इसको ऐसे चला लेते हैं फटाफट। पनीर को डालने के बाद बहुत ज्यादा पकाना नहीं है, बस अभी हमारा पनीर भुजिया बनके तैयार हो गया। अब इसमें मैं थोड़ा सा कसूरी मेथी डालूंगी, कसूरी मेथी डालने से एक अच्छी सी फ्रेग्रेंस आ जाती है, फ्लेवर अच्छा आ जाता है। अब मेरा ये पनीर भुजिया सर्व करने के लिए तैयार है, अब मैं एक बोल में रख लेती हूँ। अब आप देखिए ये इसका जो लुक है कितना सुंदर है, और देखने में बड़ा टेम्पटिंग है। आप सभी ट्राई करिएगा,
और लास्ट में इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए मैं हरी धनिया डाल देती हूँ। तो ये मेरा पनीर भुजिया सर्व करने के लिए तैयार है। आप सभी ट्राई करिएगा, फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी और आपने जो पनीर भुजिया बनाया वो आपको कैसे लगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आगे भी मैं और अच्छे अच्छे रेसिपीज लाती रहूंगी और भी वीडियोस लाऊंगी, तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।